बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत दिया जाएगा काम। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन और पाबंदियों के चलते बिहार लौटने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम दिया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। मनरेगा के निदेशक और आयुक्त सीपी खंडूजा ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग को नए वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत 20 करोड़ मंडियों के निर्माण के लिए पहले ही मंजूरी मिल गई है। प्रवासियों की आमदनी के उच्च कार्य मांग की उम्मीद करते हुए इसे बढ़ाकर 30 करोड़ करने की योजना है। अधिकारी ने कहा कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को लाभार्थियों को रोजगार देने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि मनरेगा निश्चित मजदूरी पर ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के अकुशल काम की गारंटी देता है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 2.5 मिलियन प्रवासियों में से कई लोग को अस्थायी नौकरी देने के लिए पिछले साल केंद्रीय योजना का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। दूसरी लहर के दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्यों से लौटने वाले बिहार के प्रवासी मजदूर सरकार की योजना पर भरोसा कर रहे हैं। खंडूजा ने कहा कि बिहार ने पिछले साल मई और जून में 7 करोड़ मंडियां बनाई, जो एक तरह का रिकॉर्ड था।